मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कुनकुरी विधानसभा क्षेत्र के कंडोरा के कोकुलधाम में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार और भाजपा पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का निर्वाचन क्षेत्र कुनकुरी में होने वाली इस जनसभा पर सबकी नजरें टिकी हुई थी। जनसभा में आक्रामक तेवर दिखाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा को जो 400 पार का नारा लगा रही है वह संविधान और आरक्षण बदलने की मंशा से लगा रही है। उन्होंने दावा किया कि अगर केंद्र में फिर से एनडीए की सरकार बनी तो 2029 में देश से पूरी तरह से लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, जनता का मताधिकार भी समाप्त हो जाएगा। राज्य सरकार पर पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की जनहितकारी योजनाओं को समाप्त करने का आरोप लगाते हुए भूपेश बघेल ने कहा कि विष्णुदेव साय सरकार ने गोठानों को बंद कर दिया है, गोबर खरीदी बंद कर दी है और अब आत्मानंद स्कूलों को बंद करने की तैयारी की जा रही है। इससे समाज के गरीब लोगों को निःशुल्क अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में पढ़ने की जो सुविधा मिल रही है वह समाप्त हो जाएगी। आदरणीय साथियों, यह चुनाव आम चुनाव नहीं है, यह चुनाव खास चुनाव है। खास इसलिए भारतीय जनता पार्टी करती है, हमें 400 पार करना है। ये नारा देते हैं आपकी बात 400 पार। जब इनसे पूछा जाता है कि 400 पार क्यों, तब जवाब देते हैं संविधान बदलना है। जो संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में बनी, जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लागू किया, जिससे देश आज 75 साल से अधिक गणतांत्रिक देश कहलाता है, वो संविधान जो हम सबको अधिकार देता है, वो संविधान जो महिलाओं को बराबरी का दर्जा देता है, वो संविधान जो अनुसूचित जाति जनजाति को समानता का अधिकार आरक्षण में लाभ देता है, वो संविधान जिसे हम सबको न केवल अधिकार देता है, न केवल समानता की बात करता है, बल्कि अभी चूंकि चुनाव है, हम सबके वोट की कीमत एक है, चाहे आप हो, चाहे वो प्रधानमंत्री क्यों ना हो, चाहे अडानी अंबानी क्यों ना हो, सबके वोट की कीमत एक है, ये अधिकार संविधान देता है। चार लोकसभा के चारों में कांग्रेस जीत रही है, अब ये तीसरे चरण के चुनाव है, उसमें भी हम अधिकांश सीट जीते।